हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th एंड 6th नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। हर सेशन को कंप्लीट और बहुत ध्यान से सुनिए, रोज़ाना सुनिए। देख लीजिए 5 नवंबर के सेशन, सॉरी अक्टूबर, 5 अक्टूबर का सेशन का क्या हाल है। तो 7th अक्टूबर 2022 का हम सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 के सेशन को भी प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, 5th और 7th, 6th का, ये तीनों अब दिन का अपना कंप्लीट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हाल ही में IHF यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको चुना है? तो ये चुना है मुमताज़ खान को, किसने? IHF ने, ठीक है। अब ये मुमताज़ खान को चुना है। क्वेश्चन नंबर 2 ले रही हूँ इसी का। हाल ही में IHF ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको चुना है? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, तो ये चुना है पी आर श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है अभी IHF ने। और इसी में ही क्वेश्चन ना लेके इसी में एक फैक्टर जोड़ रही हूँ कि अभी महिला सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको चुना है? सविता पुनिया को। तो सविता पुनिया और पी आर श्रीदेश, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ मेल फीमेल गोलकीपर चुने गए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर ये पीआर श्रीजेश, सर्वश्रेष्ठ महिला गोल्फकीपर ये सविता पुनिया। और अभी आपको एक क्वेश्चन बताया राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, तो ये चुना है मुमताज़ खान को, किसने? IHF ने। 1924 में स्थापना सैफ अहमद, ये इसके एमडीएंट यानी प्रेसिडेंट कहिए प्रेसिडेंट, और लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर, कहाँ? लुसाने स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन है, किस राज्य के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्रों की पूजा की है? तो रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह जी। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी उत्तराखंड ओली मिलिट्री स्टेशन, कौन सा? ओली मिलिट्री स्टेशन में शस्त्र पूजा की है। आपको मालूम है स्कूल स्वच्छता शिक्षा सूचकांक में नंबर 1 रहा उत्तराखंड, और अभी हर ज़िले में एक संस्कृत गांव डेवलप करेगा उत्तराखंड। ऋषभ पंत यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर, हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में उत्तराखंड बन रहा है। शिव पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ऑफिशियल कैपिटल देहरादून और गैरसैंड समर कैपिटल है। जिम कॉर्बेट सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसका पूर्व नाम हैली था। बाकी यहाँ पर फूलों की घाटी भी है, राजा जी है, गोविंद पंत भी है यहाँ पर, नंदा देवी है, और देवी जितने भी देवी देवताओं से रिलेटेड नेशनल पार्क्स के नाम है वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी UAPA के नए पीठासीन अधिकारी यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी UAPA यानी अनलॉ एक्टिविटीज़ फॉर प्रिवेंशन एक्ट ट्रिब्यूनल, अनलॉ एक्टिविटीज़ फॉर प्रिवेंशन एक्ट ट्रिब्यूनल। तो इसके भी पीठासीन अधिकारी बने हैं जस्टिस दिनेश कुमार। कौन है? जस्टिस दिनेश कुमार, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और यही अभी UAPA के पीठासीन अधिकारी बने हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सब ऑर्बिटल स्पेस में किस देश की एजेंसी ने टग लॉन्च किया है? तो टग एक लड़ाकू विमान की तरह है जो उपग्रह स्थापित करेगा यानी सैटेलाइट्स कहाँ? कक्षाओं में, अंतरिक्ष की कक्षाओं में। तो ये सब ऑर्बिटल स्पेस में अभी टग लॉन्च किया है ईरान की स्पेस एजेंसी ने। क्या? टग, ये एक विमान है जो यानी स्पेस में सैटेलाइट्स को फिक्स करेगा कक्षाओं में, ठीक है, स्पेस की। और तो सब ऑर्बिटल स्पेस में क्या टग लॉन्च किया है? लॉन्च ईरान स्पेस एजेंसी ने। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट हैं, ईरान की कैपिटल है रियाल और करेंसी वो कैपिटल क्या है ईरान की?
चलिए आप ही बताइए कि क्या है ईरान की कैपिटल। बहुत आसान है, तेहरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीत लिया है हाल ही में। अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो ये अभी लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह। इन्होंने 31 घंटे 28 मिनट में मैराथन को कंप्लीट करके ये अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीत लिया है। अब ये अल्ट्रामैन इंडिया, तो ये जो मैराथन होती है इसमें तैराकी भी होती है, रन भी होती है, साइकिलिंग भी होती है, तीन चीज़ होती हैं। इसको इन्होंने 31 घंटे 28 मिनट में कंप्लीट करके अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का यानी अपने इंडिया का दूसरा राष्ट्रीय मॉड्यूल यानी राष्ट्रीय मॉड्यूल, हम लोगों को मॉडल कहने की आदत पड़ी हुई है तो वही चीज़ ध्यान, तो राष्ट्रीय मॉड्यूल वैदिक स्कूल की स्थापना कहाँ की है। हाल ही में अभी भारत में दूसरे राष्ट्रीय मॉड्यूल वैदिक स्कूल की स्थापना कहाँ हुई है, तो ओडिशा के पुरी में। ये उड़ीसा का पुरी है, इसमें दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल खोला जा रहा है। अब ये दूसरा है, तो पहला एमपी के उज्जैन में खुला था। कहाँ? एमपी के उज्जैन। तो पहला राष्ट्रीय मॉडल या मॉड्यूल कहिए वैदिक स्कूल एमपी उज्जैन में खुला था और दूसरा पूरी उड़ीसा में। ठीक है, अब ये इनका काम क्या है कि वैदिक ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल्स का काम है, तो ये दूसरा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी फायर वोल्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। हाल ही में फायर वोल्ट, ये स्मार्ट वॉचेस की बहुत फेमस कंपनी है फायर वोल्ट, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो कियारा आडवाणी। आपको बताया था अभी हीरो कॉप के रामचरण, ये एक एक्ट्रेस है साउथ के, वो बने थे। और आपको ये भी बताया था कि बुर्जिल होल्डिंग्स, ये एक यूएई की कंपनी है, इसके शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और भी बहुत से ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में आपको बताया, तो सभी को याद रखिए क्योंकि एक ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल अभी किसने प्राप्त किया है। हाल ही में देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल किसने प्राप्त किया है, तो ये है ऑक्सीगोल। ये एक साइंटिस्ट हैं और जो पुणे स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसी के ये साइंटिस्ट हैं, यानी ये मौसम वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने अपने पृथ्वी यानी अर्थ और स्पेस में जो शोध किया है, रिसर्च किए, उसी के लिए इन्होंने ये उस उत्कृष्टता के लिए जीता है देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल। किसने? ऑक्सीगोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई शीतकालीन खेल 2029 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। हाल ही में कौन सा देश एशियाई शीतकालीन खेल, कौन से खेल, एशियाई शीतकालीन यानी विंटर खेल 2029 की मेज़बानी करेगा, तो 2029 के एशिया शीतकालीन खेलों की मेज़बानी करेगा सऊदी अरब का जो न्यू इसकी स्टेडियम है वहाँ पर ये 2029 के एशियाई शीतकालीन खेलों की शुरुआत होगी, यानी मेज़बानी कौन करेगा, सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर हैं, सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ये वहाँ के किंग हैं, रियाद कैपिटल है और सऊदी रियाल करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी यानी औद्योगिक पार्क नीति, किस राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी बनाने के आदेश दिए हैं, तो झारखंड राज्य सरकार ने। जी हाँ, झारखंड राज्य सरकार ने अभी इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। अभी तो रमेश वैश गवर्नर हैं, लेकिन इनसे पहले कौन थी गवर्नर, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वही थी गवर्नर, कौन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, माफ़ कीजिए एक मिनट मुझसे गलती हो गई, जो हमारे प्रेसिडेंट थे द्रौपदी मुर्मू हैं,
फो बोलने में मुझे आज पता नहीं क्या, जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू वो गवर्नर थे, जो हैं प्रेसिडेंट वो थे, क्या थे, गवर्नर किसके, झारखंड के। तो द्रौपदी मुर्मू गवर्नर थे किसके, झारखंड के, और अभी क्या हैं वो करंटली प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे या हैं, यानी हैं करंट में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, और किसके गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल के। तो झारखंड, एक बात सुन लीजिए ध्यान से, झारखंड के रमेश वैश अब करंट गवर्नर हैं, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं। जामताड़ा ज़िला एक ऐसा ज़िला है झारखंड का जो पुस्तकालय, हर घर पुस्तकालय वाला ज़िला बन गया है, ठीक है। और WHO अवार्ड मिला था तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को। अच्छा, झारखंड की और बात कर लेते हैं, तो झारखंड अभी खाद्य सुरक्षा एटलस वाला थर्ड स्टेट बना है, तीसरे नंबर का राज्य बना है खाद्य सुरक्षा एटलस वाला। पहला कौन, बिहार, दूसरा उड़ीसा और तीसरा झारखंड, ठीक है। और हाँ, एक और बात बताती हूँ, इसने अभी छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया है झारखंड ने, और किस के साथ किया है ये मैंने आपको बताया था, स्कॉलरशिप के लिए, ये अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइए। बेतला नेशनल पार्क यहीं है, हज़ारीबाग, डलमा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है। और एक और भी हज़ारीबाग है, डलमा है, और महुआ दनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी, महुआ दनर, और एक पलामू टाइगर रिज़र्व, ये तो आप याद रखिए। कैपिटल क्या है यहाँ की, रांची। क्वेश्चन है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने अपना रुपे क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च करने का फैसला किया है। तो NPCI ने अपना रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है कहाँ, ओमान में। अब क्या होगा, जब इंडिया का रुपे क्रेडिट कार्ड ओमान में भी चलेगा तो दोनों देशों के बीच, यानी अपने इंडिया और ओमान के बीच दोनों में एक चल रहा है, तो क्या होगा, फ़ंड ट्रांसफ़र में इजी होगा। हातिम बिन तारिक, ये सुल्तान है क्या, हातिम बिन तारिक, ओमानी रियाल करेंसी है और मस्कट कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी शुगर प्रोडक्शन वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन बना है। विश्व का कौन सा देश चीनी उत्पादन में नंबर वन बन गया है, तो अपना देश भारत। इस शुगर सीज़न में सबसे ज़्यादा, बहुत अधिक चीनी का उत्पादन किया अपने देश भारत ने, और जिसमें से 110 लाख मैट्रिक टन का, उससे बल्कि इससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया अपने देश इंडिया ने। तो अपना देश भारत दूसरे नंबर का चीनी निर्यातक दुनिया में, और पहले नंबर का, यानी फर्स्ट नंबर का शुगर प्रोड्यूसर कंट्री बना, यानी शुगर प्रोडक्शन वाला कंट्री बना है पहले नंबर पे अपना देश भारत, और सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने किस राज्य की पहाड़ियों को एसटी का दर्जा प्रदान किया है। हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने, क्या, अमित शाह जी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ने किस राज्य की पहाड़ियों को एसटी का, यानी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा प्रदान किया है, तो प्रदान किया है ये जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ियों को, यानी जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ियों में जो समुदाय रहते हैं उनको अब एसटी में काउंट किया जाएगा, किसमें, शेड्यूल ट्राइब्स में। आपको मालूम है पहली कार्बन न्यूट्रल न्यूट्रल पंचायत बनी देश की वो कौन सी थी, तो जम्मू संविभाग की कौन सी पल्ली पंचायत बनी, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है ना। और ग्राम रक्षा गार्ड योजना यहीं चल रही है, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो यहाँ है लेकिन डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। दच्छीग्रम नेशनल पार्क है जो J&K में, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, और हेमिस का है अब लद्दाख में, और वूलर और
वुलर लेक और डल लेक, ये भी J&K में हैं, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन अभी किसको घोषित किया है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। याद रखना, पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकन घोषित हुए हैं भारत निर्वाचन आयोग के। मैंने आपको बताया भी था, दिलीप अस्वे के बारे में बताया था, सुशासन अधिकारी कौन भारत लाल के बारे में बताया था, ललित भसीन ये किसके अभी किसके बने हैं, अमेरिकन इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। अच्छा, ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो मोहित भाटिया। कौन बने? मोहित भाटिया, बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केमिस्ट्री साइंस 2022 का नोबल अवार्ड यानी नोबल प्राइस किसको मिला है? तो ये दो अमेरिकन वैज्ञानिक हैं और एक डेनमार्क, तीन लोगों को मिला है केमिस्ट्री का नोबल प्राइस। कौन सा? 2022 का केमिस्ट्री साइंस का, ठीक है, 2022 नोबल प्राइस। क्या नाम है? तीन, तो इन नाम तो बताना मुश्किल होंगे, कैरोलिन है, वेरिलिसा और एक है मार्टिन M। तो याद, आप इंटरनेट पे तीनों के नाम याद रख लेंगे, एक से के से, के से कैरोलिन करके हैं, वी से एक वार्टिसा करके हैं और M से मार्टिन करके हैं। तो KVM, क्या के और यू के बाद जो आता है वी और M, ये तीनों वैज्ञानिकों का फर्स्ट लेटर मैंने बता दिया है, इंटरनेट पे देख के आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि प्रोनंसिएशन में गलती हो सकती है, आप स्पेल करके पढ़ लेंगे, ना पढ़ पाएँ तब मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अभी महाआयुध के निर्देशक, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, महाआयुध के अभी डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण किया है? तो संजीव किशोर। कौन? संजीव किशोर महाआयुध के भी डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण कर चुके हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस बैंक ने अपने ग्राहकों और गैर ग्राहक यानी दूसरे बैंक का कोई भी हो, तो अपने ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों के, तो अपने बैंक के हों जो उनके लिए और जो अपने बैंक के नहीं भी हैं उनके लिए व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी लॉन्च की है? तो PNB पंजाब नेशनल बैंक ने, ये एक नंबर जारी करेंगे, उसको आप अपने मोबाइल में सेव कर लें, उसके बाद आप इनको एक मैसेज करेंगे जिससे कि आप PNB की व्हाट्सएप बैंकिंग फैसिलिटी से जुड़ जाएंगे। तो ये फैसिलिटी ये सर्विस लॉन्च की है भी पंजाब नेशनल बैंक ने। अच्छा, 1894 में इसकी स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और मैंने CEO का नाम कई बार बताया आपको, कई बार MD एंड CEO का नाम, तो ये मेरा टारगेट है कि आप, वैसे बता देती हूँ, चलो मैं ही, अतुल कुमार गोयल। कौन? अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड टीचर्स डे, तो आपको पता है अपने इंडिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5th of September को, और वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5th of October। किसका सेशन कर रहे हैं हम? 7th and 6th October का। तो 5th October को मनाया गया था वर्ल्ड टीचर्स डे, छात्रों के द्वारा, छात्रों के प्रति जो योगदान है टीचर्स का, उन्हें छात्रों के द्वारा सम्मान देने, प्रोत्साहित करने के लिए ये मनाया जाता है शिक्षकों को, ठीक है, शिक्षकों को सम्मान देने, प्रोत्साहित करने, प्रोफेशन बहुत ऑनेस्टी का है, सब की चीज़ों के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1994 में इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 5th October को एज ए वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है, यूनेस्को सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फैज़ाबाद कैंट का नाम परिवर्तित करके यानी चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो फैज़ाबाद कैंट का नाम बदलकर अभी कर दिया गया है अयोध्या कैंट। याद रखना, अयोध्या कैंट, अयोध्या
फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम भी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और फैज़ाबाद कैंट का नाम भी अब अयोध्या कैंट कर दिया है। और ये किसने किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्रामीण स्कूलों के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए नाबार्ड ने किस राज्य को 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ग्रामीण बच्चों के स्कूल के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए अभी नाबार्ड ने पंजाब को 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, याद रखना 222 करोड़ की। अभी पंजाब ने फिजिकल स्टैम्प को पूरी तरह बैन कर दिया था, चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल है, ये भी बताया था। चंडीगढ़ में जो नया एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या है? भगत सिंह एयरपोर्ट, ये भी बताया आपको। पंजाब में अभी एक विधायक एक पेंशन योजना लागू कर दी गई है और पंजाब में जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता होंगे उनको भी पेंशन दी जाएगी, ये भी घोषणा कर दी गई है। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं और भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं। 29 अगस्त को हर साल कौन क्या मनाएगा? पंजाब मनाएगा खेड़ मेला। क्या? खेड़ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 4 अक्टूबर से कौन सा सप्ताह शुरू हुआ है? तो अंतरिक्ष सप्ताह, राष्ट्रीय अंतरिक्ष, मतलब अंतरिक्ष सप्ताह याद रखिए, स्पेस वीक। मानव भलाई के लिए जो भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, अंतरिक्ष के लिए, मतलब मानव की भलाई के लिए जो अंतरिक्ष रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड वर्क एंड रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए हर साल 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा अंतरिक्ष सप्ताह, स्पेस वीक, याद, मतलब मनाया गया है इस साल 4 से 10, और ये हर साल ही मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में भी हमारी महिला उद्यमियों के लिए एक नया स्टार्टअप हर स्टार्ट, ये किसने लॉन्च किया है? तो अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया महिला उद्यमियों के लिए, क्या? महिला उद्यमियों के लिए एक नया स्टार्टअप, क्या नाम है? हर स्टार्ट, इसको लॉन्च किया है। क्यों? ताकि लेडीज़ को जो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, हमेशा बताती हूँ कहाँ के गवर्नर हैं, तो ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, और बताती हूँ जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब सुनिए क्वेश्चन, ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा को किस राज्य के गवर्नर का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है? तो मेघालय के गवर्नर का। जी हाँ, अभी जो जगदीश मुखी थे उनको था असम के गवर्नर के साथ साथ ये मेघालय के गवर्नर का चार्ज भी सौंपा गया था, क्योंकि मेघालय के जो गवर्नर थे आर एन रवि वो तमिलनाडु के हैं, तो आर एन रवि थे वो तो हट गए, अब जगदीश मुखी थे असम के और वो अभी भी हैं, तो उनको एडिशनल चार्ज जो दिया गया था मेघालय के गवर्नर का, अब वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा को सौंप दिया गया है, यानी अब ये अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दोनों के गवर्नर हैं, याद रखना है आपने। ठीक है, ओके, और साथ ही बता दूं कि मेघालय के गवर्नर तो अब हो गए ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, और चीफ मिनिस्टर कौन थे? कांग्रेट संगमा, शिलोंग कैपिटल, अच्छा डीपी बहलोंग यहाँ के सेक्रेटरी बने, ठीक है, मुख्य सचिव बने थे मेघालय के, बाल फक्रम और नौकरेक नेशनल पार्क, हाँ नेशनल पार्क के बाल फक्रम और नौकरेक, 83वीं जो है वो टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, 83rd टेबल टेनिस चैम्पियनशिप अभी यहाँ पे आयोजित हुई, और इसके अलावा जो यहाँ का कौन सा ब्रिज है, हमेशा बताती हूँ आपको, लिविंग रूट, उसको अभी यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई हुई सी एम आई ई
यानी सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में, कौन सी, CMIE, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में सितंबर महीने में देश में बेरोज़गारी की दर घट के कितनी प्रतिशत तक कम हो गई है, तो अभी अगस्त में थी 8.28% बेरोज़गारी दर, लेकिन अब बेरोज़गारी दर सितंबर के महीने में रह गई है 6.43%। और ये किसकी रिपोर्ट कह रही है, CMIE, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो दोस्तों ये था 6-7 अक्टूबर का सेशन, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसिल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हर सेशन को कंप्लीट सुना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।